420 यही है। हाँ 420 यही है। हाँ 420 यही है। ओके काजल का घर। हाँ काजल का घर है। आप कौन है? ये हाय काजल। ओके हाय। और आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं स्ट्रेट ही था रास्ता। ओके ठीक है। तुम्हारा रूम लास्ट वाला है, तुम जाके एक बार रूम को देख लो और थोड़ा रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए तो पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। ओके अरे मैं ले आता हूँ आपका सामान। चलो ओके तो काफी छोटा रूम नहीं है? बट अब क्या कर सकते हैं। चले फिर। अब चलो मैं आती हूँ। ठीक है। थैंक यू। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सब बढ़िया था। अच्छा बताओ मैं ठंडा लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं आप फॉर्मेलिटी मत करो। अरे कोई नहीं इतना तो बनता है, वैसे भी आज के लिए कल से तो तुम्हें ही करना है। अच्छा मुझे ही करना है। जी और रूम कैसा लगा तुम्हें? थोड़ा छोटा है बट ठीक है। कोई नहीं थोड़े दिन मैनेज करो फिर कुछ और देखते हैं ना। अब ये बताओ ठंडा ही लोगे या फिर कोल्ड कॉफ़ी चाय या कुछ और? कोल्ड कॉफ़ी। खाने में स्नैक्स वगैरह? नहीं थैंक यू कुछ भी नहीं। कोल्ड कॉफ़ी वाली? या ओके ठीक है। अक्षय तुम? हाँ मेरे लिए भी लिया हो यार कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा तुम्हारे लिए भी चाहिए? ठीक है ओके। वैसे यार तुम्हें ना इधर इस छोटे फ्लैट में रहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मेरा घर पास में ही है यार और इससे तो बहुत बड़ा फ्लैट है। तो okay. तुम चाहो तो उधर रह सकती हो। और मजे की बात तो ये तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, मेरा खुद का घर है वो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और फिर मैं एक लड़के के साथ शेयर करूँ तो नॉट पॉसिबल। तो बताने की क्या जरूरत है यार, बताना मत उन्हें। उनको क्या पता लग रहा है कौन से डेली डेली आके चेक कर रहे हैं वो। और बाई चांस कभी आ भी गए तो बाथरूम वाथरूम में छुप जाऊंगा मैं, मेरा क्या है। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना? हाँ क्या हुआ? ऐसा करो उसको अपने साथ ले जाओ, मैं इस पूरे अपार्टमेंट में अकेले रह लूंगी। अरे यार मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई यार, तुम्हारा फोन देना, फोन मिलाना। क्यों? मतलब मैं मिला देती हूँ। ठीक है 9876543210। अरे अच्छा तो तुम्हारा नंबर है ना ये? हाँ अपना नंबर क्यों? अरे अब गलती से अपना नंबर मिला दिया मैंने, सॉरी। अच्छा ये लो कॉफी। नहीं नहीं यार तुम पियो तो यार। सही नंबर मिला दूँ? नहीं नहीं ठीक है यार तुम पियो। ठीक है अरे कॉफी बनाई है मैंने इसको। नहीं नहीं यार मैं चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया। अरे अच्छा मैंने बनाया इसको। नहीं नहीं अरे तुम पी लेना, मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया यार। ये भी काफी फनी करेक्टर है। तो ये बॉयफ्रेंड है आपके? नो नो जस्ट अ फ्रेंड है मेरा, पास में ही रहता है, कभी कभी आ जाता है। ओके ओके और बताओ क्या करती हो तुम वैसे? यार ज़्यादा कुछ नहीं, बस LGBT NGO के लिए काम करती हूँ। ओह रियली? और या लोगों को सेंसिटाइज करती हूँ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कशॉप्स और काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं हम लोगों के। ओके दैट्स नाइस। या आप बताओ आप क्या करते हो? मैं ICC में वर्क करती हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट का? नो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में। ओके बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, नाइट भर बैठे रहना, लोगों की कॉल्स पर रहना, उनकी चिक सुनना, बातें सुनना। तो आपकी नाइट शिफ्ट है? हाँ नाइट शिफ्ट है। ओके
आई कैन टोटली रिलेट टू इट. मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कितना वियर्ड है यार, मतलब लड़की लड़की आपस में कैसे प्यार कर सकती हैं, लाइक ओ माई गॉड. फिर भी लाइक मेरी लाइक आई नेवर हैड अ फीमेल फ्रेंड, तो अभी हमेशा मेरे आस पास बॉयज ही होते हैं, तो हाँ लाइक दे आर वेरी क्लोज टू मी. ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ प्यार प्यार होता है, चाहे वो लड़की लड़की से हो या फिर लड़के से, कुछ मायने नहीं रखता ना. प्यार तो दिल से होता है ना यार, चाहे वो लड़की लड़की में हो चाहे वो लड़के में हो. तभी आई गेस लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, ज्यादा ही अंधा है आजकल. हाय. ओके आ गई तुम? हाँ जी. आप गए नहीं अभी तक? बस जा रही हूँ, टाइम हो गया है, थोड़ा डिनर पैक कर रही थी तो. ओके ओके ठीक है. ओके फिर मैं निकलती हूँ. ठीक है बाय बाय. बाय. तुम इतनी जल्दी रेडी होगी मॉर्निंग? हाँ मुझे एक्चुअली जाना है. बट तुम्हारी शिफ्ट तो 9 बजे से स्टार्ट है ना? मुझे आज झज्जर जाना है, मेरी काउंसलिंग है. चलो ठीक है फिर मैं रेस्ट. तुम चाय वगैरह? नहीं नहीं मुझे चाय पीकर फिर नींद नहीं आती, मैं जा रही हूँ सो के वो. ठीक है ओके बाय बाय. मैं बंद करके चली जाऊँ. ओके बाय बाय. मम तो वो रही, मैंने भी मम को ढूंढ लिया. मम को रखता हूँ, सुनिए रुक जाइए. अरे क्या हुआ, तुम मुझे रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? हाँ ये तो वही लड़का जो मुझे Hello. पहले मिला था. hey, hi. कुछ नहीं, बस टीवी देख रही थी. आप बताओ. कुछ न्यूज लगाओ ना, इस टाइम पे कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है. हाँ जी एक सेकंड. जगह पर क्यों लेकर आए हो, जवाब दो. From this invisible, horrible enemy. हाँ यार बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आना जाना बाहर टच में रहना लोगों के फिर और ये सब चीज़ें. नहीं यार US में भी लाइक आ गई है फर्स्ट वेव और अभी इंडिया भी अब होने वाला है इन चीज़ों में, तो बस मुझे भी बस ऐसे थोड़ा डर सा लग रहा है. अब देखो गॉड नोस क्या होगा. I know no matter what happens, I will not run out of what I. अच्छा सनाया, कितने टाइम बाद हम लोगों को एक साथ बैठने का मौका मिला. With new transmissions and increased testing, the number of US cases is approaching. हाँ यार मतलब आपकी रात की शिफ्ट होती है और मेरी सुबह की होती है, बिल्कुल बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, शेड्यूल इतना हेक्टिक है हम लोगों का. भाई तो बिल्कुल भी बात करने का मौका नहीं मिलता. आज कितने टाइम बाद तो हम लोग बैठे हैं साथ में, तो कुछ आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. ये लो मोदी सर ने लगा दिया लॉकडाउन. वाओ ये तो बहुत अच्छा हुआ भारत में लॉकडाउन को. अब इसमें अच्छा क्या हुआ, बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे. इसमें संकट आता है तो किस ये भी तो जरूरी था ना. कोरोना कैसे कंट्रोल में होगा अगर लॉकडाउन ही लगाएंगे वो तो ठीक है, मेरी मीटिंग्स का क्या होगा. सो के 15 दिन की तो बात है,
इतने दिन हम लोग फिर टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में रहेंगे जनता कर्फ्यू के लिए। हाँ भाई आप करो टाइम स्पेंड हमारे साथ, 15 दिन बहुत होते हैं। चिल ना, 15 डेज ही तो है, निकल जाएंगे वो भी। आप कोरोना वैश्विक महामारी, 15 दिन लगाने की क्या जरूरत थी यार। दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से कर लेना आप टाइम स्पेंड, सुन भी रहे हैं। चिल ना, और इतना क्यों माइंड कर रहे हो, सिर्फ 15 डेज की बात है। आप ये भी उसके बाद तो काम ही काम करना है सबने, मुझे भी जाना है तो मैं भी जा रहा हूँ अपने काम पे। सच में यार मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ घर में बैठे बैठे। आई स्वेयर कांट हेल्प इट यार, मतलब लॉकडाउन इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स नाउ। कुछ करने को ही नहीं है जेन्युइनली, सबके यही हाल है मुझे तो लग रहा है। हाँ यार मतलब बस खाओ पियो सो जाओ कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग करने को। चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, तू बात कर ले उससे, करते हैं हम बाद में बात। ओके काजल, देख के जाऊँ ये कहाँ है, बुक लेकर आती हूँ, कोई कुछ पढ़ने को तो मिलेगा। हे हाय, तुम्हारे पास कोई बुक होगी? हाँ मेरे रूम में भी रखी है, ले लो जाकर जो तुम्हें बुक्स चाहिए। थैंक यू। ओके जरा देखो तो सही मैडम की कलेक्शन, ब्लूम्स इनटू यू। ओके आसन प्राणायाम, Not my type. That's true love. Pride. Oh. Honor girl. Sweet and obsessive and dead on. This is what it looks like when 15-year-old weirdos fall in love. Not bad. Sacred. From the author of Detention. ये लड़की तो बिल्कुल ही lesbian books पढ़ती है, कहीं ये lesbian तो नहीं है? The Temple Tiger. ये पढ़ी जाए। आ गई तुम? हाँ यार
देना सैनिटाइजर मुझे भी. ये तो खत्म हो गया. खत्म हो गया. अब तो घर पे भी कोई नहीं है सैनिटाइजर. तुम्हें बोला तो था लाने को. शिट यार भूल गई मैं, क्योंकि इतना सारा सामान था सब याद नहीं रहा. ओहो सच में यार आपकी ये वाली बुक बहुत अच्छी है. बाकी अच्छी है, मैं भी से 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ. लाइक जेन्युइनली मैं कोई बुक पढ़ती हूँ तो वो ऐसे ही मतलब कंप्लीट नहीं हो पाती है मेरी, बट ये 2 दिन में मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है. वैसे एक बात बोलो अगर बुरा ना मानो तो. तुम आज वैसे कूल लग रही हो. थैंक यू. और सेक्सी. घर में बैठे बैठे दिमाग सेट ही आ गए तुम्हारा. ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, फोटोज ले रही हूँ तुम्हारी. तो ढंग से लो पिक्चर्स मेरी. ओके. बस करो. ठीक है. ओके फिर मैं जाती हूँ. ठीक है. कहाँ जा रही हो? मैं वॉशरूम कराती हूँ. ओके. शनाया Mm-hmm.